बोले पिपिया क्यों ना बोले तो फ्रेंड आप लोग हमारे दादाजी के लिए इतना दुआ करोगे, अभी हमारे दादाजी मेरे होने वाले बेबी को भी देख ले, ठीक है? मैं जब तक वो दादा को दादा दादा ना बोल दे तब तक मेरे दादाजी कुछ नहीं होना। दादा दादा पानी है ना, लक्कड़ है, और कहाँ मांग के खाए हमें ये भी नहीं पता। और फ्रेंड्स हमारे बैंक वाले काम, इसके बारे में आप ही बताओ जानू। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा जो बैंक वाला काम है फाइनली हो गया है। शायद इस मंथ हमारा पेमेंट 21 को या 22 को या 25 तक के बीच में हमारा आ सकता है। सब देखते रहो कि आपको प्यार दिखाने वाली क्या है, देख लो जरा इनको। फ्रेंड देखिए सब्जी का हो गया 3 दिन और इतनी गर्मी पड़ रही है ना ये घर के अंदर, आप सोच नहीं सकते हो। तो फ्रेंड सभी को गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स अभी देखिए अभी इवनिंग का टाइम और बज गया 3 और हम अपने करते हैं वीडियो स्टार्टिंग अपने दादाजी से। तो आज प्रिया का भाई इतना मेहनत फल लाएगी कि या नहीं वो प्रिया ही बताएगी। तो हाँ जी प्रिया जी बोलिए। हाँ जी रोहन जी, आप कैसे इतना मुस्कुरा रहे हैं ये तो बताइए। क्योंकि आज खुशी हुई ना मुझे, क्योंकि दादा को इतना मालिश मुलिश कर रहे हो, इतना सेवा पानी कर रहे हो। अच्छा। इसलिए मैं खुश हूँ थोड़ा आज। अच्छा मुझे लग रहा कल से खाना नहीं मिला इसलिए खुश हो। इसीलिए मैं खुशी हूँ। तो फ्रेंड देखिए दादा के साथ हमारी ये लास्ट वीडियो है, लास्ट वीडियो इसलिए क्योंकि हम लोग जाने वाले कहाँ फ्रेंड, बहुत जल्द लोग जाने वाले हैं अपने तारों की महल में, अपनी दुनिया में जहाँ हमारा जिंदगी कटने वाला, पूरी जिंदगी बुढ़ापा। अच्छा। बुढ़ापा बता रही है। तो हम जाने वाले चंडीगढ़, बहुत जल्द सोच रहे हैं कि हम लोग चले जाएं अब। और फ्रेंड देखिए दादाजी बीमार रहते हैं। तो फ्रेंड पहले तो बता दूं, जब से मम्मी गई है ना तब से मम्मी भी शादी से आई नहीं है, क्योंकि मम्मी को वहाँ पे कुछ काम था, है ना जानू? वहाँ पे मम्मी को काम था इसलिए मम्मी आई नहीं। तब से दादाजी को किसी ने हाथ में सही से मालिश वगैरह नहीं किया, तो भाई दादाजी ने बोला प्रिया को। तो प्रिया भी जो भी है मेहनत अपना कर रही है, तो मेहनत का फल जो है ना पुण्य है। यही कहेंगे आप लोग हमारे दादाजी के लिए इतना दुआ करोगे, अभी हमारे दादाजी मेरे होने वाले बेबी को भी देख ले, ठीक है? मैं ये जब तक वो दादा को दादा दादा ना बोल दे तब तक मेरे दादाजी कुछ नहीं होना। दादा दादा बोलेगा, दादाजी क्या लगेगा? आई डोंट नो, पर दादा लगेगा, पर दादा लगेगा। तो दादा ही लगेंगे ना, तो दादा कम से कम उंगली पकड़ के उसको दुकान तो फ्रेंड्स पहली बात तो आपको देना कि बैड न्यूज ये है कि आपको पता है हम लोग कल शादी से आ गए थे और हम लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया, खाने क्योंकि हमारे घर में ना भी कुछ लक्कर वगैरह पानी है ना, लक्कर है, और कहाँ मांग के खाए हमें ये भी नहीं पता। और फ्रेंड तुझे मम्मी, अगर मम्मी होती मम्मी सारा अरेंजमेंट कर देती। यहाँ पे फ्रेंड्स है लेकिन मेन चीज ये है ना कि यहाँ पे हमें पता नहीं है कि मिलता कहाँ पे लक्कर वगैरह, तो इसलिए हम लाए गए नहीं है। सात नदी पार जाना पड़ता, मैं थोड़ा ना अपना इतना बड़ा पेट लेके कहीं जाऊंगी। नहीं तुम्हारा था तुम्हें कपड़ा भर रखा है उसके अंदर, मेरा पति ऐसे बोले दुनिया क्यों ना बोले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं दादाजी का, अभी तो हो रही है मालिश, दादाजी जब मालिश कर लेंगे लास्ट टाइम दादाजी का फेस भी अभी दिखाएंगे। दादाजी घूमिए, दादाजी भी सो रहे हैं। तो फ्रेंड देखिए दादाजी अभी जिम मार रहे थे, डोला 16 का डोला, 46 की छाती, जो बोल दे उसकी हो जाए वाटी वाटी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं थोड़ी देर बाद। फ्रेंड्स आपने हमारे दादाजी से मिली लिया, कैसा लगा हमारे दादाजी से इतने दिनों बाद मिलने के बाद? हम लोग फिर बिहार चले गए थे। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, देखिए अभी कुछ लोग ऐसे हैं जो हम पे गलत वीडियो बनाते हैं। हाँ। वो भी बोलेंगे रोहन प्रिया तो बिहार में है। हाँ। फ्रेंड्स आप लोगों को पाल बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन फ्रेंड्स हम बताते हैं बिहार में नहीं है, ये देख लीजिए ये हमारा घर है, आपने हमारा घर देखा, यहाँ अपने घर के अंदर है। क्यों प्रिया? नहीं फ्रेंड्स हम आपको बता दें, ये वीडियो हमारी जैसे कि हम डेली ब्लॉगिंग करते हैं शाम के लिए, तो मैं मतलब कि जो भी मम्मी घर में थी नहीं, तो मैंने सोचा दादाजी की मालिश कर दे, इसी बहाने एक क्लिप हो जाएगी और हाँ एक लाइफ टाइम के लिए एक वीडियो रह जाएगी कि हम लोग हमेशा देखेंगे दादाजी की यादें। तो फ्रेंड्स हमने वीडियो बनाई थी तो लेकिन क्या हुआ अचानक से, आपको पता ही पापा हम लोग आने वाले थे चंडीगढ़, लेकिन हमारा टिकट बनता सारा कुछ होता, हम आराम से आते, बट अचानक से आना पड़ गया। तो उसमें हमने ये बात भी बोली, आपने देखा कि हम बहुत जल्द जाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स लेकिन अचानक वाली बात हो गई, तो हम लोग मॉर्निंग टाइम पे फिर वहाँ से निकल गए थे। तो इसके लिए दादाजी के साथ की फिर मैंने दूसरी क्लिप बना नहीं पाए और हम वहाँ से निकले भी थे लास्ट टाइम, बहुत ही मतलब जल्दी जल्दी हमें वहाँ से भागना पड़ गया। तो हम ना वहाँ घर की कोई क्लिप नहीं, तो हम लोगों की वीडियो ऐसी होती एक्स्ट्रा वीडियो बनने के बाद हम घर से निकलते हैं फिर वहाँ से आते हैं। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स एक जो ब्लॉगर होते हैं जो यूट्यूबर होते हैं उनकी लाइफ अलग होती है, क्योंकि उन्हें एक दिन दो दिन पहले वीडियो शूट कर करके मैं भी रखती हूँ, ऐसा नहीं मैं भी रखती हूँ। तो फ्रेंड्स यही था,
तो आपको बता दें दादी से जानू, तो मैंने तो जब मैं तो जब से आई तब से मैंने दादी से बात नहीं किया है फोन पे, लेकिन जानू ने किया। फ्रेंड देखिए, एक मेरा फ्रेंड रहता है वहाँ, मैंने उसके फोन पे कॉल किया था तो दादी से मेरी बात हो पाई, लेकिन अभी भी है कि फ्रेंड बहुत कम से कम हो गए 10 दिन हो गए, 10 दिन से दादी से हमारी कोई बात नहीं हुई। 10 दिन से नहीं हुई फ्रेंड, जब स्टार्टिंग में हम जब आए थे ना तभी हुई थी, उसके बाद से नहीं हुई। तो दादी वैसे बीमार रहते हैं फ्रेंड्स, अब क्या कर सकते हैं, हम लोग को भी आना जरूरी था, ऐसे क्या क्या फायदा अगर हम लोग उस टाइम ना निकलते ना, फिर वैसे ही धक्के खाते। जैसे अच्छा निकल आए फिर फ्रेंड, जैसे कि हम निकल, जैसे कि हमें निकाल दिया गया था वैसे ही फिर हमारे साथ वैसे ही हो जाता, तो वो चीज नहीं चाह रहे थे हम। तो फिर भी आप लोग यही बताना हमारे दादी की वीडियो कैसी लगी आपको, और कौन सभी से रिक्वेस्ट है कि दादाजी के लिए हमारा आप लोग अभी भी गौर से प्रे करना, ठीक हो जाए, ठीक हो जाए। हमने वीडियो में कुछ और भी बोला है ना कि मेरे बेबी को देख ले, तो वो आपको प्रे करना है। और दूसरी बात ये कि मतलब कि आने का मन तो नहीं था, आपको पता है जैसे दादाजी थे, दादाजी की जैसे कोई था नहीं, लेकिन जो पहले के जमाने के लोग थे उस टाइम के, उनका शरीर कितना यंग थे, दादाजी हमारे इतना चल फिर लेते थे, सारा कुछ आपने देखा, लेकिन अचानक से ऐसे हो गए तो बहुत बुरा लगा फ्रेंड। तो बस आप लोग दुआ करते रहिए हमारे दादाजी के लिए कि हमारे दादाजी ठीक हो जाए, अच्छे से एकदम मस्त तंदुरुस्त जैसे पहले थे। हमारे दादाजी काम भी करते थे। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज़ ये, अगर दादाजी ठीक हो जाएंगे, जब प्रिया का बेबी हो जाएगा, फिर हम लोग सोचते हैं मतलब 4-5-6 महीने बाद हम वहाँ पे जा करके जो पूजा वगैरह है, पूजा के लिए हमने आपको ये वीडियो में बताया ना कि हम पूजा करवाएंगे, तो वो पूजा भी हमें करवानी है, जो कि हमने करा, क्योंकि जब हमारी मन्नत पूरी होगी तभी हम पूजा कराएंगे, मन्नत पूरी नहीं होती तो मन्नत पूरी नहीं हुई है, पूरी हो जाएगी तो हम जाएंगे दादाजी से फिर मिलने के लिए अपने बेबी को लेके। तो आप लोग चाहते हो फ्रेंड्स ना दोबारा हमारे दादाजी से मिलो, अभी ये वीडियो तो बहुत पहले की आपको पता ही है, 10-12-15 दिन पहले की है, लेकिन अभी जो। और फ्रेंड्स सबसे बड़ी चीज ये, आपको गुड न्यूज और देता, हमारे बैंक वाला काम क्या हुआ बता दो। तो फ्रेंड्स हमारे बैंक वाले काम, इसके बारे में आप ही बताओ जानू। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, हमारा जो बैंक वाला काम है फाइनली हो गया है, शायद इस मंथ हमारा पेमेंट 21 को या 22 को या 25 तक के बीच में हमारा आ सकता है, आ सकता। बस फ्रेंड्स गौर से प्राप्त ये भी करना कि हमारा जो है हमारी लाइफ एकदम सेट हो जाए, आराम से खाऊं पियो थोड़ी, क्योंकि फ्रेंड्स आज अभी हम लोग जस्ट बैंक से आ रहे हैं, वहाँ पे सारा कुछ मतलब हमने कर दिया, ब्रांच जो सब शिफ्ट हो गया है। अब उन लोग बोला कि आपके ये 21-22 तक मतलब जो 25 तक आपके अकाउंट में हम डाल देंगे, आ जाएगा। और दूसरी बात ये फ्रेंड, आपको पता है इस टाइम पे आप लोग सारे लोग बोलते हैं आपका पेट बड़ा नहीं दिखता, आप ये नहीं, तो फ्रेंड्स खाने को भी तो चाहिए, खाने को मिलता नहीं है, तो क्योंकि आप तो थोड़ा पैसा देंगे, जब तक 3 मंथ अभी है हमारे पास, तो हमारा बेबी मतलब कि आराम से 3-4 मंथ जो भी अभी हमारे पास बचे हैं, कि आराम से हमारा बेबी थोड़ा सा तंदुरुस्त तो हो ही जाए, बस ये चाह रही हूँ और कोई बात नहीं। बस सबसे बड़ी चीज़ फ्रेंड कि हमारा बैंक वाला काम हो गया, हम लोग इस चीज़ से खुश हैं कि भाई हमारा बैंक वाला काम हो गया। अब शायद फ्रेंड्स इस मंथ के लास्ट तक में हमें मिल जाए और जल्दी से हमें मिले और आप लोगों को हम दिखाएं कि फ्रेंड देखिए हमारा फर्स्ट पेमेंट कितना आया, क्या है, नहीं है, दर्शन करें, बहुत मतलब कि वो लगता है इतने दिनों से। बस फ्रेंड खुशियाँ आएगी ना तो सिर्फ आप लोग कृपा से, बस आप लोग गौर से प्रे करते रहिएगा, और बस हमें लग रहा है खुशियाँ भगवान देंगे तो एक ही बार देंगे, अब देखते हैं क्या होता है। और दूसरी बात ये देखिए फ्रेंड्स हमारे हाथ में क्या हो गया, प्रिया का हाथ पूरा सूज गया, प्रिया का हाथ को काट लिया है बररैया ने, काट लिया मधुमक्खी, सुबह मधुमक्खी बररैया जो भी है, बररैया बोलते हैं उसको हम, तो पीले कलर का जो होता है, सुबह सुबह मैं काम कर रही थी, देखिए फ्रेंड किस तरह काट लिया, इतना खुज लिया, 2 दिनों से हो रहा है ना, ठीक ही नहीं हो रहा, पूरा स्वेलिंग आ गई है। तो आप लोग बताइए कोई नुकसानदायक तो नहीं है, नहीं नुकसान हो जाए, और मैं खूब खुजलाती रहती हूँ इसको, आज सुबह सुबह इतनी स्वेलिंग आई है, पहले थी नहीं। तो फ्रेंड्स आपने देखी लिया दादाजी की वीडियो, तो अभी चलते हैं थोड़ा खा लेते, देखते हैं आज खाने में मैंने क्या बनाया, आप लोग को भी दिखाते हैं। और फ्रेंड्स खाने के बाद आप लोग से मिलेंगे, आप लोग एक गुड न्यूज और देना, ये तो बैंक वाले गुड न्यूज हमने आपको दे दिया, और एक गुड न्यूज और है जो आपको देना है, तो खा करके आप लोगों से, और प्रिया खाना दो, खाना तुम बनाई क्या हो, चलो। मैं खाना निकाल ही ली थी, लेकिन मैंने सोचा पहले मैं अपने दादाजी के लिए कुछ दो लाइनें बोल दूं। चलो दिखाओ फिर खाना, दिखाओ क्या निकाली हो, खाने में है क्या, खिचड़ी। किस चीज की बताओ तो, इसमें मैंने डाला है लौकी टमाटर की खिचड़ी है, तो देखिए ये बिल्कुल इसमें ज्यादा मसाला नहीं है, और चावल ज्यादा है, कुछ नहीं है, मतलब मस्त लौकी है, टमाटर है, चावल है और मूंग की दाल है, तो आप लोग भी बना के जरूर ट्राई करिएगा, सारा डाल के मैंने बनाई है खिचड़ी, देखिए कितना मस्त दिख रहा है इसमें। हाँ, तो अब आज हम लोग खाएंगे खिचड़ी, हम अपने घर में खिचड़ी बनाए, तो चलते खाते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से खाने के बाद। और फ्रेंड्स पता है क्या, ड्यूटी में क्या बताऊं, अब फिर से जाना पड़ेगा मुझे रात को,
हाँ वो तो तुम्हें जाने पड़ेगा जानू, जब मेहनत करोगे तभी पैसे मिलेंगे, तभी लाइफ सेट होगी। कोई बात नहीं फ्रेंड्स, खाना जरा हमारे यहाँ पर निकल चुका है, दिखा दूंगा खिचड़ी फिर से मस्त, इसमें फ्रेंड बड़ा मस्त दिख रहा है। तो खाने के बाद आप लोगों से मिलते हैं दूसरे गुड न्यूज के साथ। ये खाया कि नहीं? खा लिया, उसने भी खा लिया। तो फाइनली खावा चुके फ्रेंड्स, और बात रही गुड न्यूज की जो जानू बोल रहे थे, तो अभी जानू को खुद नहीं पता, जानू को मैंने बोला गुड न्यूज है, जानू कह रहे क्या गुड न्यूज है, तो जानू को भी अभी बताएंगे हम, तो लेकिन ये हम बाद में बताएंगे जानू को, आप लोगों को मेरे साथ धोखा हुआ, बहुत बड़ा धोखा, बाद में ही बताएंगे। तो कल हमारी एक ब्लॉग आई थी, बहुत बड़ा धमाकेदार गुड न्यूज है, तो आप वो फ्रेंड्स उसका इंतजार करना, 11:19 पे ब्लॉग आएगी जो हमारी, 11:19 पे आएगी, तो आप लोग वेट जरूर करिए और जरूर उसको वॉच करिए, आप लोग को बहुत सारी चीजें पता चलने वाली है उसमें। तो फ्रेंड्स खाना खोलो में तो खा चुके, लेकिन अभी से पहले मैं चलती आपको एक चीज दिखाती हूँ, धमाकेदार चीज चलो जाओ। तो फ्रेंड्स बस आप देखते रहो कि आपको प्यार दिखाने वाली क्या है, देख लो जरा इनको, ये देखो। ओ भाई बेचने आते हैं, अरे ये बताओ बड़ा मस्त लग रहा है, लग रहा तुम सब्जी बेच रहे हो, सही बताओ तो। तो फ्रेंड देखिए जरा हमारा सब्जी का हाल देख लीजिए, कद्दू खीरा लौकी धनिया, और ये सारी सब्जी कितने की है जानू? 10-20 रुपए का 4 किलो खीरा लिया था हम लोगों ने, खत्म हो गया। बताओ क्या फ्रेंड्स, हम लोग फ्रेंड मैंने पता क्या, मौसम खराब था तो प्याज थोड़ा सस्ता मिल गया, और ये 10 रुपए के 2 कद्दू हैं, मंडी से लेके आई है, वहाँ पे सस्ता मिलता है, इसलिए सस्ता मिलता नहीं है वहाँ पे फ्रेंड्स, ये था कि बारिश का मौसम आ रहा था जो सस्ता दे दिया, लास्ट टाइम था इसकी वजह से हम लोगों को ये मिल गया। तो फ्रेंड्स कैसा लग रहा, और हाँ ये बोरी आप देख रहे हो, बोरी रखी प्रिया, ये बोरी का मैं टेक्निक बताती हूँ क्यों रखी। तो अभी फ्रेंड्स आप लोग को ब्लॉग में बने रहिए, जब आपको प्रिया टेक्निक अभी दिखाई, प्रिया करती क्या है। तो फ्रेंड्स चलते हैं, पहले आपको हम टेक्निक दिखाते हैं, ये बोरी है, चलते पहले हम बाहर, देखिए प्रिया निकल चुकी है बाहर आराम से, बाहर मुझे भगा दिया, चलो जाओ घर से बाहर, वो जा रही है निकलते निकल, कह जा के देखो, कह जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स मैं जाऊंगी नल के पास, और इसको देखिए मैं कैसे दिखाती हूँ। तो भाई देख लो फ्रेंड्स नया टेक्निक, न्यू टेक्निक, अरे भाई मेरा पैर जल रहा है। तो ये प्रिया यहाँ पे लिया, इसको भिगा, तो मैंने भिगा दिया अच्छे से, ऐसा पानी भी छोड़ दिया ताकि हमारे घर में पानी ना मतलब चुहे, जल्दी कैमरामैन जल्दी। तो भाई इसका कैमरामैन तो मैं बनी चुका, देखिए मैं इसको क्या करूंगी, मैं आज मेरी इतनी ग्रीन सब्जी आपको दिख रही ना, इसका फ्रेंड देखिए सब्जी का हो गया 3 दिन, और इतनी गर्मी पड़ रही है ना ये घर के अंदर, आप सोच नहीं सकते हो। हाँ तो फ्रेंड बताया क्या, फ्रिज होना चाहिए इसके लिए, ठंडा होना चाहिए, तो इसके लिए मैंने टेक्निक लगाया, देखिए धनिया भी 3-4 दिनों से हरा भरा है, इसको मैं ऐसे करके ऐसे कर देती हूँ। लेकिन ये बोरी सही से अभी भिगा नहीं है, फ्रेंड्स आप लोग प्रॉपर तरह से बोरी भिगा के रखिएगा, ऐसे ऐसे में ठंडा पड़ती रहता है। मैं इसलिए ज्यादा नहीं भिगाई, इसके ऊपर से मैं छिड़क भी दूंगी पानी, जैसे कि ऐसे जैसे भिगो लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा, ऐसे ज्यादा पानी डालने से भी सब्जी पचपचा जाएगी, ठीक है, अब इतना भी मत डालिएगा। मतलब जैसे मैंने परसों से रखा है, तो परसों से मेरा अभी तक सब्जी एकदम ठंडा नॉर्मल ही रखे, लग रहा है ताजा ताजा एकदम से। तो आप लोग भी ऐसे अगर जिसे रेफ्रिजरेटर ना हो तो ये टेक्निक अपना सकते हो आप फ्रेंड, जैसे कि जो लोग हमारे जैसे हैं, जो लोग गरीब घर से हैं, हाँ। वो लोग जैसे गर्मी पड़ रहा है तो सब्जी लेकर के हैं, सभी ज्यादा सब्जी है, तो आप लोग ऐसे करके हाँ, अपना सब्जी रख सकते हो, डलिया ना हो ना तो आप बोरी नीचे बिछा के गीली करके उसके ऊपर सब्जी रख, जरूरी नहीं फ्रेंड डलिया जरूरी हो, हमारे पास पड़ी हुई थी छठ पूजा की डलिया, इसलिए हमने यूज कर लिया, तो नीचे बोरी बिछा के भिगो के उसके ऊपर सब्जी रख के फिर इसको ऐसे करके ढक दीजिए। लेकिन धरती पर तो ज्यादा सिरेगा, ऊपर रखोगे तव मारेगा, जैसे हमारा तव ये जो टीन है। तो फ्रेंड देखिए अच्छा टेक्निक रहा कि नहीं, आप लोग जरूर कमेंट कर देते हैं, अब इसको मैं कर दूंगी बेड के अंदर, ये अंदर रहेगा। तो फ्रेंड आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग कमेंट्स करके बताना, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट ब्लॉग में अच्छे ब्लॉग के साथ, तो बाय बाय, लव यू।